अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जो है शेयर्स और डिबेंचर का सवाल कर रहे हैं। आपके सामने एक सवाल आ रहा है और पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका। लिखा हुआ है आरटीडी लिमिटेड प्राइवेट ओन्ड बाय मिस्टर एआरएम हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीस से 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड। सर हमने पढ़ना कहाँ से? हमने पढ़ना है कंपनी ऑफर्ड से। हमने कहाँ से पढ़ना है? कंपनी ऑफर्ड से हमने पढ़ना शुरू करना है। यही हमारे लिए रेलिवेंट है। इसके अलावा हमारे लिए रेलिवेंट चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। कंपनी ऑफर्ड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 at ₹11। यही कहानी पढ़ने के बाद ही आपके दिमाग में घंटी बच जानी चाहिए। क्या सर, क्या घंटी बजेगी कि प्रीमियम आने वाला है? इश्यू टू द जनरल पब्लिक ऑन 1 मार्च 2018। ऑन 12 मार्च 2018 इट इज नोन टू द कंपनी दैट एप्लीकेशन फॉर 146,000 शेयर्स ज्यादा आ गए जितने आपने ऑफर किए थे। ऑन 31 मार्च कंपनी फाइनेंस अलॉटमेंट ऑफ 115 जिसने उसने ऑफर की थी एंड एडवाइज द बैंक टू रिफंड द एक्सेस अमाउंट। चलें सर, फौरन फौरन हम लोग जो है प्रॉपर काम करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। आपने जो है नाम लगाया कंपनी का एंड जनरल एंट्रीज आपने हेडिंग लगाई एग्जाम में। अब आप बैठे हैं, अब आप पहली एंट्री कब बनाते हैं? आप पहली एंट्री बनाते हैं भाई जब आप रिसीव करते हैं एप्लीकेशन। 12 मार्च को हम बनाएंगे पहली एंट्री। हमने डेट डालेंगे यहाँ पे हम 12/3/2018। सही है, क्या हुआ होगा? तो बैंक में पैसा आया होगा और मैं ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन करता हूँ क्रेडिट। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन मैंने कहा क्रेडिट। कितने से भाई, कितने से होगा? इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लें आप लोग यहाँ पर। सर 146,000 मेरे पास रिसीव हो गई थी और लोगों ने पैसा किस हिसाब से दिया होगा? सर मुझे लोगों ने पैसा दिया होगा 11,000 146,000 × 11 ये मेरे पैसा बनता है। सर बैंक में पैसा डेबिट हुआ 1,606,000 सेट है। सर आप नरेशन क्या बनाएंगे? रिकॉर्ड एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। सही भाई, ये आपने बना दी। हमने कहा एक नरेशन आपने जो है यहाँ पे बना दी। चले भाई सही, ये तो हो गई हमारी पहले एंट्री जो हमने बनाई 12 मार्च को। उसके बाद क्या हुआ? इट इज नोट द कंपनी दैट एप्लीकेशन फॉर 140 हो गया शेयर वर्स ऑन 31 मार्च कंपनी फाइनलाइज अलॉटमेंट ऑफ 115 शेयर्स। जब आप अलॉटमेंट करेंगे सर, अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनाते हैं हम? सर अलॉटमेंट की एंट्री कब बना दें? 31 मार्च को। हम 31/3/2018 को अलॉटमेंट की एंट्री बना रहे हैं। अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनती है? ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को मैं करता हूँ डेबिट। सर मुझे पता है प्रीमियम आने वाला है, शेयर्स प्रीमियम को मैं करता हूँ डेबिट और मैं शेयर्स कैपिटल को मैं करता हूँ क्रेडिट। ऐसी है ऐसी है भाई। सर मैं ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को कैसे निकालूंगा? मैं इसको निकालूंगा मार्केट वैल्यू 11 × 115 के। सही है, चले इसके मैं नीचे ही इसकी वर्किंग कर देता हूँ। इसके नीचे देख लें आपको, थोड़ा सा नीचे वर्किंग कर रहा हूँ मैं इसकी क्विकली। आपको देख लें 115,000 मैंने इशू किए × 11 क्योंकि लोगों ने तो मार्केट वैल्यू से किया हुआ था भाई। तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन जो हम डेबिट करेंगे वो भी मार्केट वैल्यू से ही डेबिट करेंगे। देखिए ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन वन सेकेंड एक टेम्परेरी अकाउंट है और ये बंद हो जाएगा आपके सामने अभी भी। तो ये डेबिट कितने से हो गया भाई? 115 × 11 हो गया 1,265,000। सही है भाई। शेयर्स प्रीमियम सर हमें पता है आने वाला है, हम इसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे। शेयर्स कैपिटल निकाल लेते हैं 115 × हमेशा 10 से पारा वैल्यू फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से हमेशा। ये बनता है सर हमारे पास, हमने कहा 1,150 and 000। सर फर्क कितना आ रहा है क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे डिफरेंस कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर करके हम ले लेंगे शेयर्स प्रीमियम। सर बैलेंसिंग फिगर के अलावा कोई इसका तरीका है क्या लेने का? जी हाँ बिल्कुल, इसका तरीका है ना। एक शेयर पे आप ऊपर कितना कमा रहे थे? 115,000 शेयर आपने इशू किए, एक शेयर पे 10 से ऊपर कितना कमाया? 1 रुपये। सही है भाई। तो ये थी हमारी एडिशनल, मैंने कहा एक छोटी सी वर्किंग आप लोग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे की है। आपको एग्जाम में जरूरत पड़े तो आप लोग करें, ना पढ़े तो आप लोग एग्जाम में ना भी करें तो सर इसका मसला कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
सर आगे बढ़ते हुए इसी तारीख को 31/3/2018 को मैं करूंगा रिटर्न रिटर्न करता हूं मैं क्या एंट्री बनाता हूं सर मैं बोलता हूं शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स सर ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को मैं करता हूं डेबिट एंड मैं करता हूं बैंक को क्रेडिट कितने से सर कितने में रिफंड किए होंगे देखें मैंने ऑफर कितने किए थे 115 रिसीव कितने के 146 तो मैं रिफंड कितना करूंगा जितने ज्यादा आ गए कितने ज्यादा आ गए 31000 और इन लोगों ने भी पैसा के हिसाब से दिया होगा 11 के हिसाब से इनको मैं रिफंड कर दूंगा सर 31000 * 11 कितना बना 341 को मैं कर दूंगा यहां पे डेबिट एंड वंस अगेन यहां पे भी डेबिट 341000 दैट है भाई ये हो गई मेरी सर मैंने कहा जो है शुरू की 3 एंट्रीज इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ते हुए हम कुछ एंट्रीज और देखते हैं इसके बाद भाई मेरे पास एंट्री कहां आ रही है मैं अगर देखूं 2 अप्रैल को एक एंट्री बनी वाली इशू 2006 ₹10 एट ₹1 ₹9 का डिस्काउंट आने वाला है लेकिन 10 वाली चीज मैंने ₹1 की इशू की 10 वाली चीज मैंने ₹1 की इशू की 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को आ जाएं 2 अप्रैल लिखते हैं आप लिखते हैं 2 अप्रैल 2 अप्रैल का मैंने नाम लिखा और 2018 सही है अब मैंने क्या किया मेरे पास बैंक में पैसा आएगा देखिए बैंक में पैसा आएगा और मैं क्या करूंगा शेयर्स कैपिटल को मैं करूंगा क्रेडिट शेयर्स कैपिटल को मैं करूंगा क्रेडिट कितने से सर देखिए 2000 शेयर्स मैंने इशू किए मैंने 2000 शेयर्स इशू किए एट ₹10 से तो मैं क्या करूंगा 10 से मैं क्या करूंगा 10 से मैं क्या करूंगा शेयर कैपिटल हमेशा 10 से ज्यादा लगे सर मैंने सस्ते में दिए ना दो वाले शेयर्स मैंने बोले सस्ते में मैंने दिए तो सर यहां पे मेरे पास आ जाएगा शेयर्स डिस्काउंट यहां पे मेरे पास आ जाएगा क्या मैंने कहा भाई शेयर्स डिस्काउंट तो शेयर्स डिस्काउंट को मैं क्या करता हूं सर शेयर डिस्काउंट को मैं क्या करता हूं शेयर डिस्काउंट कितना आया होगा 2000 * 9 तो ये हो गया कितना सर बैंक में पैसा कितना आएगा 2000 * 1 आई बैंक की वर्किंग भी कर रहे थे 2000 * 1 सर तो बैंक में कितना पैसा आया होगा मेरे यहां पे देखें ₹2000 आए होंगे मेरे बैंक में 2000 * 9 18000 मेरा गया डिस्काउंट और मैंने लोगों को ओनरशिप कितने की दी 2000 * 10 10 के हिसाब से सही है भाई तो ये हो गया मेरा शेयर्स कैपिटल क्रेडिट आगे बढ़ते हैं सर आगे बढ़ते हुए इन्वेंटरी देख रहा हूं मैं इशू 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट डिस्काउंट ऑफ 10% 10% डिस्काउंट मतलब देखो इसका 10% डिस्काउंट कितना बना होगा भाई डिस्काउंट को ये बोलकर मैं यहीं पे आपको समझाने के लिए वर्किंग कर रहा हूं जरा गौर से देखना यहां पे 10% 10 का 10% कितना बनेगा 10 का 10% क्या बनेगा 1 ₹1 के डिस्काउंट पर आपने दिया है ₹1 के डिस्काउंट पर आपने दिया इसका मतलब आपने दिया कितने पे होगा सर दिया कितने पे होगा ₹9 पे दिया कितने पे होगा ₹9 पे बैठे भाई 4000 शेयर इशू किए ₹9 के हिसाब से आए देखें एंट्री क्या बनी होगी आपके पास सर डेट क्या थी डेट देख लेते हैं बहुत क्विकली हम लोग डेट है 3 अप्रैल 4000 शेयर दिए आपने तो मैं लिख देता हूं यहां पे क्या 3 अप्रैल के लिए 4 लिख दूं मैं 2018 सर मैंने कहा बैंक में पैसा आया होगा शेयर डिस्काउंट आने वाला है मुझे पहले से पता है पहले से लिख दो भाई शेयर डिस्काउंट और शेयर कैपिटल भी आएगा एंट्री देखें आपको याद हो जानी चाहिए भाई एंट्री आपको देखें याद अकाउंटिंग में थोड़ा-थोड़ा आपको जो है ना रट्टा भी लगा होना चाहिए रीजन भी आपका एग्जाम में हाथ सही से तेजी से चल सके 4000 * 10 शेयर कैपिटल तो हमेशा पार वैल्यू से नॉमिनल वैल्यू से फेस वैल्यू से जाता है डिस्काउंट 4000 * 1 से कितना आया डिस्काउंट 4000 और बैंक में पैसा कितना आया होगा भाई ₹36000 तो 36000 कैसे आया देखें बेटा 36000 आया 4000 * 9 दैट है 10 रुपए की चीज ₹1 के डिस्काउंट पे कितने की दी होगी ₹1 का डिस्काउंट है तो सर आपने इशू की होगी जो है ₹9 की अच्छा सर अब एक बच्चे का यहां पे सवाल आ सकता है कि सर नरेशंस क्या बनेंगे सर नरेशंस क्या बनेंगे आप नरेशन बनवाते चले चलो मैं यहां पे नरेशन को रेड कर दे रहा हूं एग्जाम में मत कर देना भाई रेड नरेशंस को एग्जाम में रेड मत करके आ देना वरना तुम्हारी कॉपी रेड हो जाएगी तो सर जो है नरेशंस बना लेते हैं हम यहां पे सबकी नरेशन बना लेता हूं मैं बच्चों के अक्सर सवाल आ रहे होते हैं भाई आज बना लूंगा इंशाल्लाह इससे बात करके नरेशन ही बनाऊंगा टू रिकॉर्ड allotment
Chase at premium. The general public. सही है. अच्छा भाई नरेशन आप खुद से भी अपने लिख सकते हो यार. नरेशन उसमें कोई ऐड सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही हो और यही हो तो वही हो. सही है. तो कर सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं नरेशन में. अच्छा तीसरे वाले केस की नरेशन क्या बनेगी, मैं वो भी बना दूँ यहाँ पर. अच्छा एक लाइन मैं ब्लू लगा दूँ. ये मैंने जो है नरेशन यहाँ पे कंप्लीट बनाने की कोशिश कर ली है भाई. और मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग आप लोग उधर सही से समझ में आ जाए ये नरेशन. और भाई इसके तो सेम बनती है यार, अभी मैं बना दे रहा हूँ भाई. बड़े मासूम बच्चे टू रिकॉर्ड शूट शेयर या अलाउड शेयर एक ही बात है. शूट इज एट डिस्काउंट टू द जनरल पब्लिक. मैंने कहा इसके ऊपर मैं लगा दूँ रेड कलर. अच्छा भाई उसके बाद जो है वन सेकेंड यही सेम बनेगी यहाँ पे भी. सेट है भाई, आगे बढ़ते हैं सर. आगे बढ़ते हुए अब जो है हम कर लेते हैं कुछ और एंट्रीज जो रहेगा हमारे पास. इशूट 18,600 rupees 10 एट अ प्रीमियम ऑफ सिक्स. देखो बहुत गौर से ये एंट्री मेरे ख्याल में 2018 वाले में आई हुई है और मैं बोलता हूँ कोई ज़बरदस्त एंट्री. और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे हैंड आउट में ये एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह थी भाई. देखो बहुत ज़बरदस्त एंट्री थी. इशूट 18,000 shares of rupees 10 एट अ प्रीमियम ऑफ सिक्स. एट अ प्रीमियम ऑफ सिक्स, छः पे नहीं, एट अ प्रीमियम ऑफ सिक्स. हर एक पे 6 रुपये का प्रीमियम. प्रीमियम को भूल जाओ, चलो बोलो प्रॉफिट, बोलो प्रॉफिट, बोलो प्रॉफिट. 18,000 शेयर इशू किए एट अ प्रॉफिट ऑफ 6. 10 रुपये की चीज़ 6 रुपये मुनाफे पे बेची. 10 रुपये की चीज़ 6 रुपये मुनाफे में बेची. 10 रुपये की चीज़ 6 रुपये मुनाफे में बेची. इसका मतलब बेची कितने की भाई, 16,000 की. अब आओ सर इसका मतलब प्रीमियम आने वाला है. अच्छा डेट क्या थी, 10 अप्रैल. मैंने कहा 2018. देखना यहाँ पे बैंक में पैसा किस हिसाब से सर, 18,000 मार्केट वैल्यू से जाता है बैंक में पैसा इंटू 16 शेयर्स प्रीमियम. प्रीमियम प्रीमियम कितना, 18,000 इंटू 6 सर शेयर कैपिटल. कैपिटल कितने से भाई, 18,000 × 10. सही है भाई. तो सर इसकी हम कंपटीशन कर लेते हैं. प्रॉपर सवाल ये आप लोग को मैं करवा दे रहा हूँ और बड़ा अच्छा सवाल है. इसमें तकरीबन हर केस से अब परसेंटेज डिस्काउंट अब तक एग्जाम में नहीं आया हुआ है सच. तो इंशाल्लाह जिस दिन आएगा तो आप लोग आराम से कर लेंगे भाई. हो जाएगा 180. तो प्रीमियम कितना आ गया मेरे पास, 108. नहीं भाई. अच्छा भाई फाइनलाइजेशन क्या बनेगी इसकी, रिकॉर्ड इशू या अलॉट प्रीमियम जनरल. नहीं भाई सेट है. सर इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए मैं आपके सामने एंट्री देख रहा हूँ 11 अप्रैल वाली इशू 2,000 shares 4% 2,000 डिबेंचर की बात कर रहे हैं. 4% 10 ईयर से इग्नोर करना है. 4% 10 ईयर सर हमने क्या करना है, इग्नोर करना है. वन सेकेंड मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे. देखें आपने इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है. सही है. ऑफ ₹100 एट ₹188 एंड रिपेएबल एट ₹244. ऑफ ₹100
एड रुपीज प्रीमियम और लॉस और समझ गए आप लोग प्रीमियम और डिडक्शन ऐसा ये वाली एंट्री को भी हम जो है सॉल्व करते हैं 88 पे हमने इशू किया 11 अप्रैल 2018 मैंने एंट्री बनाई होगी बैंक डेबिट डिस्काउंट प्रीमियम सॉरी प्रीमियम डिबेंचर लॉस ऑन डिबेंचर सर एक और डिबेंचर पेपर होता है डिबेंचर की आई होप आप लोगों ने सबने देखा होगा सही से वीडियोस पेपर और तो देखें एंट्रीज याद हो जानी चाहिए आपको बोल रहा हूँ प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर सही है जगह पेपर कम है बैंक में पैसा के हिसाब से आया होगा भाई कितने इशू किए थे यार आपने चलो एक दफा देख लेते हैं ऊपर जाके 2000 आपने इशू किए हैं एट रुपीज 188 कितना बना भाई 2000 एट रुपीज 188 सही आपका बनता है 376,000 सही है प्रीमियम कितना कमाया है इस पर आपने प्रीमियम कमाया आपने 88 रुपीज का 2000 पे आपने प्रीमियम कमाया 88 रुपीज का तो 176 का आपने कमाया प्रीमियम ये आ गया डिबेंचर पेपर 2 लाख रुपए का सही है भाई क्लियर है 2 लाख डिबेंचर हमेशा 100 से तो 2000 × 100 देख लो भाई यहाँ पे अगर किसी को स्टिल कोई मसला हो तो भी मुझसे पूछ सकता है कोई इशू वाली बात नहीं है अब देखो रिपे कितने पे कर रहे हो तुम रिपे कितने पे कर रहे हो 244 100 से कितना ज़्यादा है 144 ज़्यादा है तो लॉस ऑन डिबेंचर की सर एंट्री क्या बनी कि हर 2000 पे तुम 100 से कितना ऊपर जा रहे हो 144 ऊपर जा रहे हो हर 2000 पे 100 से कितना ऊपर जा रहे हो 144 288 के बन रही है ये वाली एंट्री और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मैंने कहा सेट है भाई आपने ये करना ये है यहाँ पे जो है प्रीमियम वाली पे जो है एंट्री को नीचे करना है मैं कर लेता हूँ देख ले थोड़ा सा यहाँ पे ताकि ये हो के ना पहले क्रेडिट क्रेडिट आ जाए देन डेबिट डेबिट आ जाए 176,000 यहाँ कर लें आप और यहाँ पे नाम चेंज कर दिएगा सही है भाई नाम चेंज कर देते हैं सर हम यहाँ पे यहाँ कर देता हूँ मैं प्रीमियम ऑन डिबेंचर अलग चीज है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अलग चीज है इसका ज़रा ख्याल रखना राइट तब इसकी नरेशन हाँ भाई इसकी नरेशन फुल कॉट शूट डिबेंचर्स टू द जनरल पब्लिक एट प्रीमियम पेपर या रिडीम्ड एट सही भाई इशू भी आपने प्रीमियम पे किए और आपने इशू जो है इसको हमने कहा सर वापस जो करना है आप वो भी प्रीमियम पे करना है आप आगे चाहें तो लिख दें इशू है प्रीमियम ऑफ छोड़ो बल्कि ना ही लिखे तो बेहतर है भाई तुम लोग देना वरना ज्यादा कपले में आओगे इस पर पूरा पैराग्राफ लिख के बैठ जाओगे राइट आगे बढ़ते हैं लास्ट एंट्री की जब आते हैं सर हमारे सवाल की तो लास्ट एंट्री हमारे सवाल की शूट 909% वन सेकंड 9% नॉट 8 इयर्स को हमने क्या करना है स्ट्राइक आउट इग्नोर करना इसने हमने और ऑफ रुपीज 108 रुपीज 108 कोई रिपेबल की इसमें एंट्री नहीं है 900 है वन सेकेंड प्रीमियम आ रहा है सर डेट क्या थी यार डेट देख लेते हैं यार हम 28 अप्रैल सर 28/4/21 सर क्या हुआ होगा बैंक डेबिट हुआ होगा डिबेंचर आया होगा सर और डिबेंचर पेपर क्या होगा सही है भाई सर डिबेंचर पेपर 900
into 100, always from 100. सही है सर. बैंक में पैसा किससे आएगा? 900 into 108. और सर 8 रुपए का मेरे को आया होगा. अरे है प्रॉफिट सर, मैं पूरा लिख दूं. 900 into 8 सही है. हर उस पर मैंने 8 रुपए का कमाया होगा सर. क्या प्रॉफिट 900 into 108, ये बनता है 97. तो मैं 97 200 सही है, बनता है 9 लाख. तो फिर होगा 90,000 प्रीमियम बनता है सर मेरे पास साल का 200. तो इस नरेशन क्या बनेगी? नरेशन देखने इसकी टू रिकॉर्ड इशू डिबेंचर जनरल पब्लिक एट प्रीमियम. सही है भाई. और इसको भी मैंने कर दिया आपको समझाने के लिए. वन सेकेंड बोल रहा हूँ, लाल वन से एग्जाम में लाल करके मत आ जाना प्लीज. सही है तो भाई ये सवाल था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. और इसके बाद के जो मेरे क्वेश्चन बैंक के सवाल आते हैं आप लोग के होमवर्क हैं. सही है तो लाजमी आप लोगों ने वो करना. सही है भाई, तो अभी तक के लिए इतना बहुत है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और सवाल. सही है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह.